तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हो कि आपकी फाइनली आपकी आरआरबी जे की आंसर की डाल दी गई है। आपको कैसे चेक करना है अपने आंसर की, कैसे इसकी रॉयज ऑब्जेक्शन करना है, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं सीधे ही आपकी आरआरबी की साइट पर आ चुका हूँ और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सीधे ही वहाँ से क्लिक करके अपनी इस साइट पर आ सकते हो। तो जैसे ही आपको नीचे करना है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगा, आपका व्यू आंसर की सीट, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको कुछ मांगने को बोलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आपको फ़िलअप करना है। फ़िलअप करने के बाद लॉगिन आपको प्रेस कर देना है। तो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर भर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। तो फ्रेंड्स, फिर आपके सामने स्टाफ से एक पेज खुल जाएगा जैसा कि आप दिखा दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो, कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है, सारा कुछ वगैरह दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, जैसे ही अपने तुम्हें तो आंसर की दिख रही है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि क्वेश्चन पेपर एंड रेस्पॉन्स आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपकी आंसर की शो की जाएगी, जिसमें आपने आंसर क्या दिया है और बोर्ड की तरफ से आंसर क्या माना गया है, सारा कुछ बताया गया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो फ्रेंड्स, इस स्टाफ से आपके यहाँ पे आ चुका है ये, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डेट डाल रखी है उन्होंने कि कौन सी डेट को आपकी एग्जाम लगी थी ये, ठीक है, और वगैरह टाइम क्या रहा था। ये आपके यहाँ पे आंसर की आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे जो आंसर की है बोर्ड की तरफ से जो आंसर सही माना गया है वो आपका ए है, और जो आपने आंसर दिया था वो यहाँ पर आपका रेस्पॉन्स आपका बी रॉन्ग गलत माना गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ पर क्या आपका सेकेंड आंसर है, तो सेकेंड आंसर में आपका क्या यहाँ पर सी आंसर माना हुआ है आपका बोर्ड की तरफ से, और आपने जो आंसर दिया है वो भी आपको यहाँ पे सी करेक्ट है। अगर आपको रैग ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है, स्टाफ से ऐसे और भी आप आंसर की देख सकते हो, स्टाफ से सारा आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी बोर्ड की तरफ से जो रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपका खुद का रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है कि कितना आपका रेस्पॉन्स दिया है, और दोनों मैच खाते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर सही है। अब जैसे कि रेज ऑप्शन कैसे करना है, आपको लगता है कि मुझे इस पे ये डाउट है क्वेश्चन पे, तो आपको करना है कि बगल में एक गर दे रखा है कि रेज ऑब्जेक्शन क्वेश्चन नंबर 3, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे डालना है कि आपत्ति प्रकार क्या है आपका, यहाँ आपत्ति क्या है आपकी स्टाफ से, यहाँ से जैसे तुम्हें सेलेक्ट करना है कि इनकरेक्टली आंसर की है, मल्टीपल की है, ऑल ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट एम्बिगस क्वेश्चन है, यानी कि जो तुम्हें प्रॉब्लम लगती है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो एक्सप्लेनेशन रेफरेंस यानी कि अपना स्पष्टीकरण देना है कि आपको ये आंसर की गलत क्यों है, क्या कहाँ पे आपको ये मिली। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कुछ प्रूफ के रूप में यहाँ पे आपको कुछ फाइल मांगेगा, तो चूज फाइल के रूप में आपको यहाँ पे जैसे ये आंसर की आपको कहाँ पर अच्छी मिली, या फिर जो इसका आंसर है वो किस बुक में इसका सही माना गया है और ये और बोर्ड की तरफ से यहाँ पर गलत माना गया है, तो उसका प्रूफ के रूप में आपके यहाँ पे कुछ फ़ोटो होगी, तो उसको आप फोटो को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे यानी कि पे पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके 50 रुपये आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से काट दिए जाएंगे, और फिर आपको ये नेक्स्ट टाइम पे जैसे ही आंसर की आपको चेक की जाती है और आपका आंसर सही पाया जाता है तो आपको 50 रुपये रिफंड वापस कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से ये बहुत बड़ी सुविधा करती है। पहले क्या होता था, आईडी डालनी होती थी, फिर आईडी के वगैरह उसका क्वेश्चन नंबर डालना होता, फिर बाद में आपको रेफरेंस देना होता था। यहाँ पर सीधे सट्टा आपको बहुत सुविधा दे दी है, सीधे ही क्वेश्चन के सामने रेज ऑब्जेक्शन दे दिया, सीधे ही क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद अपनी फोटोकॉपी जो भी आपकी प्रूफ है वो, और साथ में स्पष्टीकरण देना है, और साथ में पेमेंट भी हैंडमेंट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आपको ये अपने आंसर की में रेज ऑब्जेक्शन कर सकते हो और अपने आंसर की देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधे ही वहाँ से सीधे अपना आंसर की चेक कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय।